इसमें हम आपको जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत ये सब बता रहे थे। तो यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आलेख के विषय में आज जानकारी लेंगे। आज पढ़ेंगे कि रचनात्मक लेखन के अंतर्गत हम आलेख के विषय में, आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं। इसमें किसी विषय विशेष पर आलेख में, आलेख के अंतर्गत किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार अथवा स्थिति की समीक्षा और उसका विवेचन किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले इस बात को ध्यान रखते हैं कि आलेख लिखने हेतु ध्यान रखने योग्य बातें किस प्रकार की, कौन कौन सी हैं, जो कि हमें आलेख लिखते समय उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इस विषय में हम देखते हैं कि आलेख में आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। गद्य लेखन एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं। गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय विशेष पर, जिसमें किसी जिसमें किसी विषय विषय विशेष पर किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखला बद्ध, विचारों की श्रृंखला बद्ध तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक
विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु वस्तु विचार विचार घटना अथवा स्थिति की समीक्षा स्थिति की समीक्षा स्थिति की समीक्षा एवं उसका विवेचन किया जाता है। ये यहां पर आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय पर विशेष किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु विचार घटना अथवा स्थिति की एवं उसका विवेचन किया जाता है। तो ये यहाँ पर आलेख, अब कोई पूछे कि आलेख किसे कहते हैं, आलेख इसे कहते हैं। अब आलेख लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस विषय पर बात करते हैं। लिखते समय ध्यान रखने योग्य आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर संबंधित विषय पर सम्यक चिंतन होना चाहिए।
आगे कहते हैं कि आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता पूर्ण स्पष्टता के साथ करना चाहिए। आलेख लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी वैचारिक एवं तकनीकी कुशलतायुक्त कुशलतायुक्त भाषा का उपयोग करना चाहिए। आलेख के प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुतीकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध संदिग्ध जानकारियों का जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आलेख की भाषा इसमें आलेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब हम देखते हैं आलेख लिखने वाले व्यक्ति का संबंधित विषय पर पूरा चिंतन होना चाहिए, सम्यक चिंतन होना चाहिए। दूसरा कहते हैं आलेख से जुड़े तथ्यों एवं आंकड़ों आदि का उल्लेख पूर्ण स्पष्टता के साथ करना चाहिए। आलेख लिखते हेतु एक लिखने हेतु एक वैचारिक एवं तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे कहते हैं कि आलेख के प्रस्तुतीकरण में भ्रामक एवं संदिग्ध जानकारियों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं
कहते हैं कि आलेख की भाषा सरल सहज एवं रोचक एवं रोचक होनी चाहिए। वाला अंश तथा समाप्ति वाला समाप्ति वाला अंश निष्कर्ष परक होना चाहिए। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा ठीक तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि इस प्रकार से यहाँ हम अलग अलग इस तरह से इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और आलेख की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। आलेख का आमुख जो सबसे शुरू में प्रस्तावना लिखते हैं वह अंश और समाप्ति वाला अंश अर्थात निष्कर्ष जो निचोड़ है वह अंत का वाला अंश जो है वो निष्कर्ष परक होना चाहिए। तो इस पर हमें अर्थात विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इसमें हमें पूर्ण रूप से निचोड़ दे देना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं हम आपको एक उदाहरण रूप में देते हैं। उदाहरण ध्यान से देखना। बाहर से जूझते गांव विषय पर एक आलेख लिखिए। एक आलेख लिखिए। अब
इसमें बाहर से जूझते काम बरसात के मौसम में जब नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है तब उनका पानी तीव्र वेग के साथ निचले इलाकों में भर जाता है। नदियों नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने की यह स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। वर्तमान समय में बाढ़ से सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। बाढ़ से चारों ओर जल प्रलय का दृश्य और
खेत खलियान मरे हुए मवेशियों की डूबती तैरती तैरती लाशें आदि बाढ़ से जूझते गांव। बरसात के मौसम में जब नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है तब उनका पानी तीव्र वेग के साथ निचले इलाकों में भर जाता है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पानी जमा होने की यह स्थिति ही बाढ़ कहलाती है। वर्तमान समय में बाढ़ से सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। बाढ़ से चारों ओर जल प्रलय का दृश्य और उनमें उसमें डूबे खेत खलियान, मरे हुए मवेशियों की डूबती तैरती लाशें आदि आदि ग्राम्य जीवन की त्रासदी का वर्णन करती है। मवेशियों तैरती लाशें आदि आदि ग्राम्य जीवन ग्राम्य जीवन की त्रासदी गांव में अधिकतर लोगों का वे जीवन कृषि पर आश्रित होता है। इसमें हमें इसमें ये आश्रित होते हैं, परंतु पूरे साल पूरे
पूरे साल का श्रम कुछ ही क्षणों में कुछ ही अक्षणों में पहाड़ की चपेट में आकर बर्बाद हो जाता है। बाढ़ के कारण अन्न नहीं मिल पाता, और न जाने कितने ही लोग अपनी जान तक गवा बैठते हैं। किसान अधिकतर मात्रा में किसान अधिक मात्रा में फसल नष्ट हो जाने के कारण आत्महत्या कर बैठते हैं। आज सुझाए गए बचाव के ये आप देख रहे हैं कि आज तक सुझाए गए बचाव सुझाए गए बचाव के कारण अस्थाई उपायों में सबसे प्रभावी उपाय राष्ट्रीय स्तर पर सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ने का है। इसमें जिससे अनेक जल स्तर में जल स्तर में असमान वृद्धि न असमान जल वृद्धि न गांव के विकास के लिए
गांव के विकास के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समाधान ढूंढ लेना हितकर सिद्ध होगा। तो ये हमारा हुआ यहां पर इस प्रकार से इसे जोड़ने का है जिससे अनेक जलस्तर में असमान वृद्धि न हो और गांव के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समाधान ढूंढ लेना हितकर सिद्ध होगा। ये हुआ आपका आलेख उदाहरण, और इसमें ध्यान रखें और फिर आगे बताएंगे।